मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 8 को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नेक्स्ट ऑर्गेनल्स है प्लास्टिड्स, क्योंकि इससे पहले कुछ ऑर्गेनल्स की स्टडी हम लोग कर चुके हैं जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड थे। आज जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स की स्टडी करेंगे वो प्लास्टिड्स होगा। प्लास्टिड्स प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल्स, प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल्स एंड अब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी ये ओनली प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल्स में एंड अब्सेंट इन द एनिमल सेल्स, ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स, बिकॉज प्लास्टिड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट कलर ऑफ द प्लांट्स। अब प्लांट्स में होते हैं डिफरेंट टाइप के कलर, सो इसीलिए किस में प्रेजेंट होते हैं, ओनली प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। जो प्लास्टिड्स है इसको डिस्कवर किसने किया था अपन ये देखते हैं। तो प्लास्टिड्स नेम या डिस्कवर्ड बाय द हेकल, तो ये बात आप ध्यान में रखोगे, प्लास्टिड्स डिस्कवर्ड बाय द हेकल। प्लास्टिड्स इज ए डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स, कितनी मेम्ब्रेन होती है, टू मेम्ब्रेन्स होती है इसके अंदर भी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स था। फिर जो देखिए प्लास्टिड्स की अपन टाइप दी कलर है ना, ये तो कलर के बेस पे यानी कलर की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, पिगमेंट्स की होती है। अपन कलर की वजह की जगह कौन सा वर्ड यूज करते हैं, पिगमेंट वर्ड यूज करते हैं। तो पिगमेंटेशन के बेस पे टाइप ऑफ द प्लास्टिड्स, तो प्लास्टिड्स आर थ्री टाइप बेसिस ऑफ द पिगमेंटेशन। फर्स्ट इज द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। सेकेंड इज द क्रोमोप्लास्ट, सेकेंड इज द क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड इज द ल्यूकोप्लास्ट। बेसिस ऑफ द पिगमेंट, बेसिस ऑफ द पिगमेंट द प्लास्टिड्स आर द थ्री टाइप्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड द ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट, responsible for the green color of the plant. Next is the chromoplast, except to the green color, green को छोड़ करके और सभी color, except to green color all colors, ये यानी green को छोड़ करके जितने भी colors होते हैं। leucoplast colorless, colorless। तो plastids के three names याद रह जाएंगे आप लोगों के, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट फॉर द ग्रीन कलर, क्रोमोप्लास्ट एक्सेप्ट टू ग्रीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द और कलर एंड द ल्यूकोप्लास्ट कलर लेस। चलिए नेक्स्ट अपन स्टडी किसकी करेंगे, क्लोरोप्लास्ट की कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो अपन हेडिंग डालते हैं क्लोरोप्लास्ट, यानी प्लास्टिड्स के अंदर भी क्या ले रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो प्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट, तो मोस्टली इज द लीव्स में प्लांट्स की और ग्रीन कलर है, तो इसका मीन्स इसके अंदर कौन सा पिगमेंट होगा, फिर क्लोरोफिल होगा। क्लोरोप्लास्ट में क्या कंटेनर होते हैं, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो ये जो पिगमेंट है ये किसमें हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। सिंपर ने इसको वर्ड दिया था क्लोरोप्लास्ट के लिए, स्टडी की थी सिंपर ने। क्लोरोप्लास्ट जो है इनकी शेप डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट टाइप की होती है, मोस्टली इसकी जो शेप से रिलेटेड जो एल्गी होती है ना, जिसको अपन सेवाल बोलते हैं, तो उनके अंदर इनकी शेप भी क्या होती है, डिफरेंट टाइप की सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के नंबर 20 से लेकर के 40 या इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, तो इनके नंबर है वो 1 या मोर देन हो सकते हैं इनके नंबर। अब अपन मेन टॉपिक है इनके स्ट्रक्चर पे चलते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट की अपन बात करें, ये डबल मेम्ब्रेन है, इसके जो कितनी मेम्ब्रेन पाई जाती है, टू मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो डबल मेम्ब्रेन देखिए मैं ऐसे बना देती हूँ, डबल मेम्ब्रेन इसकी, और इसकी शेप भी क्या होती है, डिफरेंट शेप होती है डिफरेंट सेल्स के अंदर। एक मेम्ब्रेन ये हो गई, इसके सराउंडेड में एक मेम्ब्रेन और बना देती हूँ, ये लीजिए एक मेम्ब्रेन मैंने ये बना दी आउटर साइड में, कितनी मेम्ब्रेन बना दी, टू मेम्ब्रेन बना दी।
अब टू मेम्ब्रेन के जो नेम है वो भी आपको पता है, ये तो कौन सी मेम्ब्रेन हो गई, आउटर मेम्ब्रेन, और ये कौन सी मेम्ब्रेन हो जाएगी, इनर मेम्ब्रेन। कितनी मेम्ब्रेन हो गई, टू मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। दोनों जो मेम्ब्रेन है उनके बिटवीन में स्पेस प्रेजेंट है, स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द मेम्ब्रेन इज नोन एज द पेरी, क्या है, प्लेस्टीरियल स्पेस, प्लेसेंट, किसका है ये, प्लेस्टिड का है, तो पेरी प्लेस्टिल से बोल देते हैं अपन, पेरी प्लेस्टीडियल, पेरी प्लेस्टीडियल स्पेस, क्या नाम हो गया, पेरी प्लेस्टीडियल स्पेस नाम हो जाता है। अब देखिए जो इसका इनर वाला जो पार्ट है, इनर वाले पार्ट के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है, पार्टिकल प्रेजेंट है, सो द इनर पोर्शन इज नोन एज द स्ट्रोमा। मैट्रिक्स वाला पोर्शन को क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा, ठीक है। अब ये जो पूरा स्ट्रोमा बना हुआ है, इस स्ट्रोमा के अंदर देखिए ऐसे मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन हो गई, आपको दिखाई दे, थोड़ा बड़ा बना देती हूँ, एक मेम्ब्रेन हो गई, ये दूसरी मेम्ब्रेन हो गई, दोनों मेम्ब्रेन आपस में जुड़ गई ना, तो जब दोनों मेम्ब्रेन आपस में जुड़ी तो लेमिली, एक लेमिली जो होगी उसको बोलेंगे थेलेकोइड, क्या बोलेंगे, थेलेकोइड। वापस देखिए, ये एक मेम्ब्रेन और ये दोनों मेम्ब्रेन बनी लेमिली, एक लेमिली को क्या बोला जाता है, थेलेकोइड बोला जाता है। अब ये जो थेलेकोइड होंगे ना, ये क्या होंगे, एक दूसरे पे कॉइंस की फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे, जैसे सिक्के अरेंज होते ना एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज, तो ये भी ऐसे अरेंज हो जाएगी कॉइंस की फॉर्म में। ये थेलेकोइड जब कॉइंस की फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे तब इनका नाम क्या हो जाएगा, ग्रेनम। तो ये पूरा अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, ग्रेनम, ग्रेनम, ठीक है। जैसे या मैं और बना दू, ये हो गया थेलेकोइड, क्या हो गया, थेलेकोइड, थेलेकोइड का जो कॉइंस की फॉर्म में अरेंजमेंट है ग्रेनम, क्या हो गया, ग्रेनम, ठीक है। अब देखिए ये जितने भी ग्रेनम बने हैं ये एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं, देखिए जो अटैच करवा दिया मैंने, इसको अटैच करवा दिया, ये लीजिए इसको अटैच करवा दिया मैंने, है ना, एक दूसरे से क्या है, अटैच किए हुए हैं, अटैच करवा दिया ना, ठीक है। अब देखिए ये ग्रेनम, 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 ऑल ग्रेनम इज नोन एज ग्रेना, ऑल ग्रेनम इज नोन एज ग्रेना, क्लियर हो गई क्या इतनी बात, ठीक है। ग्रेनम एक आपस में जुड़े हुए, देखिए ये इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, लेमिली है ना, ये एक मेम्ब्रेन दूसरी मेम्ब्रेन लेमिली, तो कहां प्रेजेंट है, स्ट्रोमा में प्रेजेंट है, तो क्या नाम हो गया, स्ट्रोमल लेमिली, स्ट्रोमल लेमिली, क्लियर हो गई क्या इतनी बात। वापस से देखिएगा, अब ऐसे समझिए, आप ऐसे समझना इस बात को कि जो क्लोरोप्लास्ट है डबल मेम्ब्रेन होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होगा उस क्लोरोप्लास्ट में टू पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट का नाम तो क्या हो गया, स्ट्रोमा, और सेकंड पार्ट का नाम क्या हो जाता है, ग्रेना। तो कितने पार्ट होते हैं, टू पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज द ग्रेना और सेकंड पार्ट इज द स्ट्रोमा। ग्रेना पार्ट कंटेन द पार्टिकल्स, सॉरी स्ट्रोमा पार्ट कंटेन द पार्टिकल्स एंड द मैट्रिक्स known as the stroma, the part of chloroplast contain the particles and the matrix is known as the stroma, it is known as the stroma. In the stroma, the lamellae to form the thylakoid, to form the thylakoid. The thylakoid are arranged in the form of the coins is known as the granum. All granums are attached with the stromal lamellae is known as the grana. So two parts in the chloroplast, first is the stroma and second is the
अब देखिए, इन द स्ट्रोमा रीजन प्रेजेंट है डीएनए लाइक एज द माइट्रोकॉन्ड्रिया, जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया में था वैसा ही इसके अंदर डीएनए होता है प्रेजेंट। ये हो गया डीएनए प्रेजेंट है, साथ साथ में राइबोसोम्स प्रेजेंट है जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, और क्या प्रेजेंट है, आरएनए भी प्रेजेंट होता है इसके अंदर। अब आपको पता है कि जब स्ट्रोमा में डीएनए आरएनए राइबोसोम्स है तो इसका मींस ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स है, खुद का रेप्लिकेशन कर लेगा लाइक एज द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, अपने नंबर इंक्रीज कर लेगा। साथ ही साथ में देखिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दोनों ऑर्गेनल्स फोटो रेस्पिरेशन में पार्ट करते हैं। अभी मैं फोटो रेस्पिरेशन को एक्सप्लेन कर दूंगी आपके सामने, ठीक है। सेकंड पार्ट इसका क्या था, ग्रेना। अब ग्रेना किससे बना है, दो लेमिली आपस में जुड़ती है तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, आपस में जुड़ गई तो इसको बोल दिया थैलेकोइड, क्या बोल दिया, थैलेकोइड। अब मैं बात करती हूँ थैलेकोइड की, थैलेकोइड देखिए ये मैंने थैलेकोइड बना दिया। अब देखिए जो थैलेकोइड है इसकी इनर मेम्ब्रेन पे देखिए ऐसे, ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना थैलेकोइड की, इनर मेम्ब्रेन पे ऐसे मैनी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो द मैनी पार्टिकल्स इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेकोइड इज नोन एज द क्वांटम या क्वांटासोम, क्वांटासोम क्या है वो, क्वांटासोम पार्टिकल या फोटोन भी बोल सकते हो आप इसको, फोटोन जो लाइट को ट्रैप करने का काम करते हैं इनको क्वांटासोम है, वो पार्क और बिगिंस ने क्वांटासोम नाम दिया है, पार्क और बिगिंस ने इनको क्या नाम दिया है, क्वांटासोम नाम दिया। अब देखिए ये जो क्वांटासोम है, ठीक है, जो अब इन क्वांटासोम के अंदर भी मैनी, ये क्वांटासोम है ना इनके पास में भी क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर से बहुत सारे क्या प्रेजेंट होंगे, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स लाइट को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। क्लियर होगी इतनी बात, चली। अब इसके बाद में अपन ये बताते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट होगा, इस क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस की टू रिएक्शन होती है, एक रिएक्शन का नाम होता है डार्क रिएक्शन जो कहाँ होगी, स्ट्रोमा रीजन में, कौन सी होती है, डार्क रिएक्शन, ये आपके ना कंप्लीट है सिलेबस के अंदर डार्क रिएक्शन। और जो ग्रेना वाला रीजन है या थैलेकोइड है, क्योंकि ग्रेना या थैलेकोइड तो एक ही बात है ना, जो ग्रेना वाला रीजन है यहाँ पे कौन सी होती है, लाइट रिएक्शन, क्या होती है, लाइट रिएक्शंस, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा सा बता दूं आपको लाइट और डार्क, बस थोड़ा सा लाइटली बताऊंगी क्योंकि पूरे सिलेबस है अपने पास में ये। तो यहाँ देखिए क्या होगा कि जैसे सनलाइट ये कहाँ है, लीव्स में है ना, प्रोसेस कहाँ है, लीव्स, आपको पता है लीव्स है, लाइट की फॉलिंग होती है, लाइट की जो फॉलिंग होगी तो लाइट की फॉलिंग कहाँ होती है, लीव्स पे होती है, तो लीव्स क्या, लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। ये जो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल्स है इसका जो ग्रेना वाला रीजन है, ग्रेना वाले रीजन के अंदर एक पार्ट को क्या बोलते हैं, थैलेकोइड बोलते हैं, और थैलेकोइड में क्या प्रेजेंट है, क्वांटम, और जो क्वांटासोम या जो क्वांटम है ये क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैप कर लेते हैं, यानी क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट को ट्रैप कर लेगा, यानी क्लोरोफिल का क्या काम होता है, कैप्चर द सनलाइट। जैसे सनलाइट कैप्चर होती है तो लीव्स में प्रेजेंट जो वॉटर है, लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है, वॉटर होता है, तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ऐसे एक्साइटेड हो जाते हैं, ऐसे क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाते हैं, और एक्साइटेड हो करके वॉटर को लाइसिस कर देते हैं, वॉटर का ब्रेकडाउन कर देते हैं। जैसे वॉटर का ब्रेकडाउन होगा तो क्या क्या बनेंगे, हाइड्रोजन आयंस प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन ये बनेंगे, ठीक है, इसको लाइट रिएक्शन बोलते हैं, ये लाइट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रॉन बने ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या बनाएंगे, एटीपी, क्या बनाएंगे, जो एनर्जी होगी,
अब ये जो एटीपी बनी है, ये एटीपी और ये हाइड्रोजन आयन्स कहाँ आ जाएंगे? स्ट्रोमा रीजन में। और स्ट्रोमा रीजन में क्या प्रेजेंट है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा? यहाँ पे रिडक्शन हो जाता है, और रिडक्शन होने से क्या बनेगा? फूड बनेगा, कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ लाइट नहीं थी ना, तो ये डार्क रिएक्शन हो गई। और यहाँ लाइट की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन हो गया, जिसको क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन बोलते हैं। तो ग्रेना में तो कौन सी होती है? लाइट रिएक्शन होती है, जहाँ पे वाटर का ब्रेकडाउन होता है, हाइड्रोजन आयन्स बनते हैं, इलेक्ट्रॉन बनते हैं, एटीपी बनती है। वो इलेक्ट्रॉन एटीपी जो बनाई है, एटीपी जो बनी है हाइड्रोजन आयन स्ट्रोमा के अंदर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं, और जो बिना लाइट से हुआ है तो वो डायरेक्ट रिएक्शन हो गया। तो एक बार आपको आपको दिमाग में इतना प्रेशर नहीं डालना है कि लाइट रिएक्शन और डायरेक्ट रिएक्शन हो कैसे रही है अपने पूरे सिलेबस में, तो अपन आराम से समझेंगे इसको जब ये टॉपिक आएगा। अभी तो केवल मैं आपको क्या करवा रही हूँ, केवल क्लोरोप्लास्ट की स्टडी करवा रही हूँ, जहाँ पे आपको केवल ये देखना है कि लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? ग्रेना में होती है। और फोटोसिंथेसिस की डायरेक्ट रिएक्शन कहाँ होती है? स्ट्रोमा के अंदर होती है। क्लियर हो गई इतनी बात? अब देखिए क्लोरोप्लास्ट के क्या क्या फंक्शन है। फोटोसिंथेसिस करता है, फोटो रेस्पिरेशन करता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है, इसीलिए इसे किचन ऑफ सेल्स बोलते हैं, किचन ऑफ प्लांट सेल्स। क्लोरोप्लास्ट को क्यों फूड नहीं बनाया? ये फोटोसिंथेसिस है, अभी जैसे मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद में देखिए फोटो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, कि प्लांट में डे टाइम में रेस्पिरेशन होना। क्योंकि देखो रेस्पिरेशन के समय से प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, इनटेक ऑक्सीजन, आउटटेक कार्बन डाइऑक्साइड। तो मोस्टली तो प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस के साथ साथ में रेस्पिरेशन भी करते हैं, तो उसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन करने वाले अपना फोटो रेस्पिरेशन कहाँ होगा? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। अभी एक और आएगा पेरोक्सिसोम्स, तो मैं वहां बता दूंगी आपको। अभी तो अपन ने केवल दो के से रिलेटेड ही पॉइंट किया है। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन भी होता है। तो क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड कंप्लीट। चलिए अब उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्या करते हैं? क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट के ज्यादा नहीं है, इसमें डिफरेंट कलर होते हैं, और वो जो डिफरेंट कलर होंगे उसकी वजह से वो पोलिनेशन में हेल्प करेंगे, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, इंसेक्ट को अपनी तरफ क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। जब इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा तो क्या करेगा? वो नेक्टर लेने आएगा, तो उसके साथ में पोलेन ग्रेन भी आ जाएंगे, जिनको मेल गैमेट बोलते हैं, और वो पोलेन ग्रेन फिर किसी अदर फ्लोर पे जाएंगे, तो वहां उन पोलेन ग्रेन को छोड़ दिया जाता है। तो इसकी कोई ज्यादा नहीं, बस इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट कैसा है? कलरलेस होता है। ठीक है, कैसा है? कलरलेस होता है। तो ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है? स्टोरेज ऑफ फूड। फूड बना तो बनाया तो किसने? सिंथेसिस तो किसने कर दिया? किसने कर दिया सिंथेसिस करने का काम? तो कौन कर देगा? क्लोरोप्लास्ट ने कर दिया। स्टोर कौन कर लेगा? ल्यूकोप्लास्ट इसको स्टोर कर लेते हैं। अब ल्यूकोप्लास्ट देखिए, अपन फूड की बात करते हैं कि फूड कौन कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट प्लांट में जिस फॉर्म में स्टोर होता है, उस स्टोर को क्या बोलते हैं? स्टार्च। तो कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर हो गया? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। सेकेंड क्या में और क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो किस फॉर्म में स्टोर हो गया बच्चों? प्रोटीन की फॉर्म में क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। ठीक है, एक क्या बनता है? फैट बनती है या लिपिड बनता है? फैट या लिपिड का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो द फूड स्टोर इन द थ्री फॉर्म, फर्स्ट इज द स्टार्च, सेकेंड इज द प्रोटीन, एंड थर्ड इज द लिपिड फॉर्म। तो इनको कुछ नाम भी तो देंगे, ऐसे ही तो महंगी कुछ फॉर्म भी होती है। तो आपने जैसे 10th क्लास में स्टडी की थी कि स्टार्च का डाइजेशन बक्कल कैविटी में होता है, तो स्टार्च का जो डाइजेशन होगा उसके लिए क्या चाहिए? एमाइलेज एंजाइम चाहिए। तो अपन यहाँ एमाइलेज से ही वर्ड बना लेंगे, एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट
तो जब भी आपके पास में वर्ड आए एमाइलोप्लास्ट, तो एमाइलोप्लास्ट मीन्स द फॉर्म ऑफ द ल्यूकोप्लास्ट वेयर स्टोर द स्टार्च मॉलिक्यूल्स, वेयर स्टोर द स्टार्च मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रोटीन। अब एक तो आपके पास में क्या बच गया, प्रोटीन बच गया, और एक क्या हो गया आपके पास में, लिपिड फॉर्म हो गया। अब देखिए वापस से देखिए, जैसे स्टार्च है तो स्टार्च को आपको लर्न करने का तरीका मैंने बता दिया, आपने 10th क्लास में जैसे देखा था कि जो स्टार्च होती है उसमें क्या होता है एमाइलेज, तो एमाइलोप्लास्ट। अब एक होगा हमारे पास में एलियोप्लास्ट, वर्ड क्या यूज में लेंगे हम लोग, एलियोप्लास्ट। तो एलियोप्लास्ट और एलूरोप्लास्ट दो वर्ड हो गए, एलियो और एलूरो, तो एलूरो तो यहां दे दो एलूरोप्लास्ट, और एक क्या दे दो एलियोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट। तो देखिए स्टार्च का तो क्या हो गया एलियोप्लास्ट, ये वर्ड तो मैंने लर्न करने के लिए बताया था आपको। प्रोटीन का क्या हो गया एलूरोप्लास्ट, अपन वर्ड यूज कर लेंगे, ठीक है। और लिपिड को अपन एलियोप्लास्ट की फॉर्म में वर्ड यूज कर, तीनों वर्ड आपको ध्यान में रखने होंगे, कौन कौन से वर्ड आपके पास में, एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, ठीक है, एलूरोप्लास्ट। एलूरोप्लास्ट प्रोटीन के लिए, और अब जैसे फैट या लिपिड की मैं बात करूं, ऑयल है ना, जैसे मस्टर्ड, मस्टर्ड होता है ना, तो मस्टर्ड का ऑयल अपन यूज में लेते हैं, तो यानी मस्टर्ड के अंदर जो ऑयल है वो ल्यूकोप्लास्ट के किस पार्ट में स्टोर होगी बेटा, वो होगी किसके अंदर हो जाएगी, एलियोप्लास्ट में स्टोर हो जाएगी। तो ये पॉइंट्स अपन ने किसके क्लियर किए हैं, एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि मस्टर्ड में ऑयल किस पार्ट में स्टोर होता है, तो आप क्या बताओ किस पार्ट में स्टोर होगा, वो हो जाएगा एलियोप्लास्ट के अंदर क्या हो जाता है बेटा, स्टोर हो जाता है। तो हमने जो टॉपिक क्लियर किया है आज का, वो टॉपिक हमने क्या किया है, क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड टॉपिक क्लियर किया है। चलिए नेक्स्ट अपन जो पॉइंट्स यूज में लेंगे वो होगी वैक्यूल, वैक्यूल्स क्या हो जाएगी बेटा, वैक्यूल्स, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि प्लास्टिड हमारा कंप्लीट हो चुका है, अपन बात करते हैं वैक्यूल्स की। तो वैक्यूल्स सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, प्लास्टिड कैसा था डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड, ये क्या आ गया सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड, ठीक है। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, बिल्कुल छोटा सा ही, ज्यादा बड़ा नहीं, ये सैक लाइक है ऐसे, ठीक है। डुआर्जिन ने इसको डिस्कवर किया था, किसने, डुआर्जिन ने इसको डिस्कवर किया था, आप ध्यान में रख लोगे। देखिए ये सिंग, इसके ये जो बाहर वाले मेम्ब्रेन है ना, इसको अपन बोलते हैं टोनोप्लास्ट, तो आप ध्यान में रखोगे टोनोप्लास्ट क्या, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल्स, द इनर पोर्शन ऑफ द टोनोप्लास्ट इज नोन एज द सेल सैप, इज नोन एज द सेल सैप, क्लियर। इनसाइड द सेल सैप प्रेजेंट द मेनी सबस्टेंस, द ऑल सबस्टेंस इज द एबायोटिक, ये लीजिए सेल से, इसमें जो भी सबस्टेंस होगा बेटा वो क्या होगा एबायोटिक, एबायोटिक का मतलब आप लोग समझ गए नॉन लिविंग पार्ट ना, या फिर आप बता सकते हो वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट, वेस्ट प्रोडक्ट जिनको एर्गेस्टिक बोलते, एर्गेस्टिक जो सबस्टेंस होंगे वो इसके अंदर क्या रहेंगे स्टोर रहेंगे, एर्गेस्टिक सबस्टेंस एबायोटिक नॉन लिविंग सबस्टेंस आर स्टोर इन द वैक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ द सेल सैप, द सबस्टेंस लाइक द अमीनो एसिड प्रोटीन्स है ना, लेकिन प्लांट्स के लिए तो वेस्टेज है इसको, मेरे किसी, अब जैसे देखिए फ्रूट की बात बताऊं मैं आपको, फ्रूट प्लांट्स के लिए वेस्टेज है तभी तो वो बाहर निकाल रहा है, वेस्टेज को ही बाहर निकालेंगे ना, जैसे अपन भी तो अपना जो वेस्टेज होता है उसको रिमूव कर देते हैं, तो वैसे ही प्लांट भी अपने वेस्टेज को क्या कर देता है बेटा, रिमूव कर देता है। जब प्लांट अपने वेस्टेज को रिमूव कर देगा तो वो हमारे लिए क्या है यूजफुल है, जैसे फ्रूट है तो फ्रूट हमारे लिए क्या होता है यूजफुल होता है, क्लियर है। तो सेल शेप तो क्या हो गया इसकी आउटर मेम्ब्रेन, सॉरी सेल शेप तो इसका इनर वाला पार्ट हो गया जिसमें प्रोटीन अमीनो एसिड विटामिन स्टोर होते हैं, टोनोप्लास्ट इसकी क्या होगी आउटर मेम्ब्रेन हो जाती है।
अब जो वैक्यूल्स है वो प्लांट्स में तो होती है लार्ज शेप में, और एनिमल्स जो होगा ना उसमें कैसी होगी, स्मॉल। जैसे अभी प्लास्टिड किया था तो प्लास्टिड तो एनिमल्स में होता ही नहीं है, केवल प्लांट्स में होता है, लेकिन ये एनिमल्स में होती है, बट इसकी शेप क्या होती है, स्मॉल होती है। जैसे अपन इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं, जैसे एक तो मैं नाम दे दूँ गैस वैक्यूल। क्या नाम दे दिया मैंने, गैस वैक्यूल। जो गैस वैक्यूल से इसमें गैस फिलअप होती है, जिसकी वजह से कुछ प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, फ्लोटिंग करने का काम करते हैं, बायोगेंसी। अब बायोगेंसी पता है शायद आपको, कि जैसे मान लीजिए कोई वैकेंट बोतल है, उसको अपन वाटर के अंदर डालते हैं, इसको ऐसे प्रेशर करेंगे तो वापस आ जाती है ऊपर करके, आप देखते हो। तो वैसे ही जो गैस वैक्यूल्स होगी ये बायोगेंसी प्रोवाइड करवाती है, डूबने से बचाती है। सीधी सी बात ये है। एक क्या होती है बेटा, फूड वैक्यूल। क्या होती है बेटा, फूड वैक्यूल होती है। तो फूड वैक्यूल अपन वर्ड किसके लिए यूज में लेंगे, मैं आपको बता दूं, फूड वैक्यूल जिसमें फूड को स्टोर रखा जाता है, सीधी सी बात है। फूड वैक्यूल जिसमें, अब फूड वैक्यूल का एग्जांपल आप अमीबा में दे सकते हो। जैसे अमीबा है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, जब भी फूड इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये अपने जो सूडोपोडिया होंगे ये फूड के चारों तरफ ऐसे फैला लेगा, और फूड को अंदर की तरफ क्या कर लेता है, इंजेक्ट कर लेता है। तो ये क्या बन गई, फूड वैक्यूल बन गई, जिसके अंदर फूड क्या रहता है, स्टोर रहता है, उसको फूड वैक्यूल बोलते। एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये मैन है बेटा। कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल क्या होती है, मैन होती है कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल। ये जैसे जो वाटर एनिमल्स है, जैसे अमीबा है, अमीबा के अंदर रेगुलर जो वाटर है वो अंदर जा रहा है। आपको ये बात पता है कि अमीबा यूनिसेलुलर है, तो इसके अंदर मोस्टली वाटर क्या जाता है, अंदर जाता रहता है। तो ऐसे तो बहुत सारा वाटर हो जाएगा और अमीबा फट जाएगा, फिर तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो अमीबा की बॉडी सेप को मेंटेन करना, यानी ओस्मो रेगुलेशन लाना, एक्सेस वाटर को रिमूव करना, एक्सेस वाटर को रिमूव करना। जैसे देखिए मैं अभी आपको रिमूव करके दिखाती हूँ एक्सेस वाटर। ये देखिए, जैसे मैंने अमीबा बना दिया, ठीक है। ये न्यूक्लियस आपको पता है, ये ऐसे वैक्यूल्स, कुछ फूड वैक्यूल्स है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने वाली वैक्यूल्स है। जैसे ये मैं इसका नाम दे दूं, मैं वॉटर वैक्यूल। क्या नाम दे दूं बेटा, ये इसका हो गया साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब देखिए, जैसे इसमें वॉटर एंटर कर रहा है, तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे वैक्यूल्स है, वो वॉटर को लेकर के कहाँ जाएगी, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के पास जाती है, और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के साथ में फ्यूज हो जाएगी। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की शेप कैसी हो गई, लार्ज हो गई। ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आती है और आकर के ब्रस्ट हो जाती है। अब इसमें जो एक्सेस वाटर है उसको बाहर क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, वापस वाटर बॉडी के अंदर। तो एक्सेस वाटर को मेंटेन करने का काम किसका है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का होता है। इस प्रोसेस को हम ओस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। क्या नाम देंगे इस प्रोसेस का, नाम ओस्मो रेगुलेशन का काम करते। क्लियर हो गया, फूड वैक्यूल में फूड स्टोर है, गैस वैक्यूल से बायोगैसी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। वाटर वैक्यूल्स होगा, एक्सेस वाटर को कलेक्ट करेगी, एक्सेस वाटर को कलेक्ट करके किसके साथ में फ्यूज हो जाएगी, किसके साथ चलेगी, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ब्रस्ट हो जाएगी, और एक्सेस वाटर को बाहर क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये थी वैक्यूल्स की बात, ठीक है। जो वैक्यूल्स होती है प्लांट सेल्स में लार्ज होती है, एनिमल सेल्स में स्मॉल होती है, इतना ही डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हमने आज एक तो क्लोरोप्लास्ट किया, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट किया, और क्रोमोप्लास्ट की ज्यादा वो नहीं, बस डिफरेंट टाइप के कलर देते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे और इंसेक्ट को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, किचन ऑफ सेल्स बोला जाता है ना, और ल्यूकोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ सेल, हाउस ऑफ प्लांट सेल्स, हाउस ऑफ प्लांट सेल्स ल्यूकोप्लास्ट को बोलते हैं। चलिए आज का टॉपिक यही हो रहा है, नेक्स्ट ऑर्गेनल्स की बात अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, क्योंकि अपन डीपली लेके चल रहे टॉपिक को, वरना तो ये मान लीजिए एक दिन में अपन चाहे तो पूरे ऑर्गेनल्स स्टडी कर सकते हैं। अगर 11th क्लास के अकॉर्डिंग करना चाहिए, एनसीईआरटी की बुक चली हुई है हमारे,
एनसीईआरटी की बुक्स के अकॉर्डिंग लेके चले तो एक दिन में सभी ऑर्गेनाइज हो जाते, इतना ही मैटर दे रखा है। बट हम लोग कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तैयारी, तो एक दिन में दो ही ऑर्गेनाइज हो पाते हैं हमारे। चलिए आज का जो क्वेश्चन है वो आप नोट कर लीजिए। व्हाट इज कॉल्ड द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स? वैक्यूल्स की आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है? काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी रिप्लाई नहीं कर रहे, तो देखिए आप रिप्लाई कीजिए। जब आप रिप्लाई करोगे तभी तो आपके टॉपिक समझ में आएगा और मुझे भी तभी मालूम चलेगा कि कौन से स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं। देखिए डायरेक्ट बता दूं, जो स्टूडेंट्स रिप्लाई कर रहे हैं वही प्रेजेंट है मेरे अकॉर्डिंग, बाकी के स्टूडेंट्स क्या है, अब्सेंट है। तो सभी स्टूडेंट्स रेगुलर अपनी स्टडी को करें।